हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है हमारा बच्चों, सेकंड लेक्चर रहने वाला है। फर्स्ट लेक्चर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। लास्ट ही लास्ट में आपको वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आपको पार्ट फर्स्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने जो लास्ट वाला हमारा जो लेक्चर था पार्ट फर्स्ट, इसके अंदर मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया था, आपको एक टेबल दी थी होमवर्क के लिए, जिसमें आपको फिल करना था उसमें येस और नो, ठीक है। और ये भी बोला था कि जो सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन सेंड करेगा उसके नाम भी मैं अनाउंस करूंगा। तो बच्चों, आप में से जिन्होंने सबसे पहले मुझे सेंड किया उसमें से एक तो था अजमत, ठीक है। अजमत हो गया, इसिका हो गई, अजमत, इसिका, इसिका के अलावा निखिल, राहुल और सुमन एंड रोहित। तो ये ऑल 6 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन सेंड किया, जब तक तब तक कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले इन्होंने सेंड किया मुझे, ठीक है। अब जो भी इसके बाद में सेंड करेंगे कोई बात नहीं, अगली बार आप टाइम पे सेंड करना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों आपको क्या करना है, साथ ही साथ आपको चलते रहना, जो डेली आपको वीडियो दी जाती है तो डेली वीडियो आप देखा करो और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपका जो आंसर हो उसको चेक कर सकूँ, देख सकूँ और आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले सकूँ, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है बच्चों, इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्शन, पर्सन कैच फायर, केरोसिन ऑयल, फॉरेस्ट फायर एंड इग्निशन टेम्परेचर। इसके बारे में जानेंगे, इन पॉइंट को कवर करेंगे आज के ये लेक्चर में। तो चलिए बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है प्यारे से लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं, और इस लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करें। इससे पहले मैं हल्का सा आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था कंबसन के बारे में, याद है आपको, कंबसन। कि कंबसन जब कभी भी कंबसन होता है, कंबसन यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड कराता है, एक तो आपको हीट प्रोवाइड करवाता है और आपको लाइट भी आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे ये हमने देखा, और हमारे साथ साथ एक हमारा फ्रेंड है जिसका नाम है बूजो, ये रहा बूजो, है ना। तो बूजो भी पढ़ रहा है साथ में, और उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम जब सन को देखते हैं तो सन में से भी, सन भी क्या कर रहा होता है, वो अपनी हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है, करता है ना। जैसे ये आप डायग्राम दे सकते हो, कितनी देखो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है और इसके अलावा ये लाइट भी दे रहा है आपको। तो ये जो सन है हमारा प्यारे से सन देवता, क्या ये भी यहाँ पे कंबसन हो रहा है, क्या यहाँ पे भी कंबसन प्रोसेस हो रही है क्या, यहाँ पे क्या लगता है बच्चों आपको, वो जो भी यही सोच रहा है क्या यहाँ पे कंबसन हो रहा है क्या, तभी यहाँ पे हीट वगैरह इतनी लाइट दे रहा है आपको। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे जो लाइट और हीट आपको प्रोवाइड करा रहा है हमारा प्यारा सा सन, उसके पीछे जो रीजन है वो कंबसन नहीं है। तो फिर क्या है, कंबसन नहीं है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बच्चों है हमारा प्यारा सा न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, ऐसा तो इसको अच्छे से डिटेल में तो आपको हायर क्लासेस में आपको स्टडी करनी है इस पॉइंट की, बाकी फिर भी मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ कि देखो जो भी सब्सटेंस जो बने होते हैं, चाहे कोई भी थिंग्स, कुछ भी आपको अगर अपने सराउंडिंग में, अपने अर्थ पर अगर आपको कोई भी थिंग अगर आपको दिखाई दे रही है, तो वो जो बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है बच्चों एटम से। कैसे बनी होती है, एटम से, डिफरेंट डिफरेंट एटम से बनी होती है। और जो ये एटम होते हैं ना, इनकी एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, हर एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। तो जब हम कोई भी, जब टू एटम को बीच, उनके एटम के बीच वाला जो पोर्शन होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, क्या बोल रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियस। तो जब इन न्यूक्लियस के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारा जो प्रोसेस निकल के आती है उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोला जाएगा बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हमारे को जो हीट और जो लाइट मिलती है सन के थ्रू, वही इसका रीजन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो सन के अंदर जो हीट और आपको लाइट, जो लाइट मिलती है उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, क्या वहाँ पर कंबसन होता है क्या, नहीं बच्चों वहाँ पर कंबसन ना होकर वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एटम्स के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच में रिएक्शन करवाई जाती है और इससे हमको हीट एंड आपको लाइट वहाँ पे मिलती है आपको। और इसके अलावा इसको और अच्छे से समझना है तो आपको हायर क्लासेज में आपको पढ़ने को ये मिलेगा, ठीक है।
तो यही अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद में बच्चों, अगर हम आगे देखें कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 6.3। एक्टिविटी 6.3 में क्या कह रहा है, आपको क्या ले लेना है कि कोई एक प्लेट ले लेनी है ना, कोई भी एक आयरन प्लेट ले सकते हो, या फिर कोई भी एक तवा ले सकते हो, है ना, तवा हो गया, घर पर आप देखा हो तवा हो गया, या कोई भी ऐसा जार ले लेना नीचे आप, और उसको रख लेना है। और उसको रखने के बाद में वहाँ पे उसके ऊपर हमको क्या करनी है, कोई भी वुड वगैरह जो बर्न होती है ना, ऐसी वुड लेनी है जो बर्न हो रही हो, वुड ले सकते हो या फिर आप चारकोल ले सकते हो। इसको बर्न हो, इसको मतलब जला लेना, आपको बर्न करना, कंबसन करना। अब ये कंबसन होगा, अब कंबसन के बाद में जब ऐसे जलने लगे, उसके बाद में आपको क्या कर देना, इसको पूरा कवर कर देना। कवर किससे करोगे आप लोग, चाहो तो आप कोई प्लास्टिक जार से कवर कर लो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे आप देख सको, कोई टम्बलर वगैरह यूज कर सकते हो। तो इसको क्या कर लेना, आपको कवर कर लेना, बस ये कवर कर लिया, ठीक है। तो जब ये कवर करोगे तो हम देखेंगे ये जो हमारा वुड है या फिर ये जो चारकोल है जो पहले बर्न हो रहा था, अब ये क्या होगा, बर्न होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्या रीजन है आपको बता सकते हो आप? आई होप आप लोग बता सकते होंगे, और बता आना भी चाहिए इसका आंसर आपको। इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है बच्चों, हमने या फिर आपने कभी देखा होगा या सुना होगा, जब भी कोई पर्सन है, जैसे यहाँ पे हमारा कोई लड़का है, कोई भी है, कोई पर्सन है, अगर इनके क्लॉथ वगैरह ये जल जाते हैं बाई द चांस, अगर किसी गलती की वजह से अगर ये कपड़ों, इसके जो क्लॉथ अगर वो बर्न हो जाए, जल जाए, के फायर कैच कर ले, है ना, अगर फायर कैच कर ले, तो उसकी फायर को बुझाने के लिए, उस फायर को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ये ब्लैंकेट चला रख देते हैं। ब्लैंकेट किसे, उस पर्सन को क्या कर देते हैं, हम कवर कर देते हैं, करते हैं ना अपन। और जैसे ही आप ब्लैंकेट से कवर करोगे उस पर्सन को, तो वो जो उसके अंदर फायर है, वो फायर लगना बंद हो जाएगी, वो वहां पर ऑफ हो जाएगी, फायर ऑफ हो जाएगी। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो, क्या होगा इसके पीछे, बता सकते हो बच्चों? तो क्या यह क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए छोड़ दूं? चलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, वापिस सुन लो, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर करेगा कल। कि क्वेश्चन ये है कि जब हम, कोई भी पर्सन होता है, अगर उसके कपड़े वगैरह में आग वगैरह लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंकेट से उसको कवर कर देते हैं, और ब्लैंकेट से कवर करने के बाद में वो जो आग है लगना, वो जो फायर लगना, वो बंद हो जाती है। तो फायर का ऑफ होने के पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन है, यही आपका क्वेश्चन है। आप चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो, आप चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आंसर से मतलब अभी, ठीक है। ये इसका आंसर बताएगा कि आपने कितना अच्छे से सीखा है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर है, और ध्यान रखना नेक्स्ट वीडियो में जो नाम अनाउंस करूंगा मैं उसी का करूंगा जो सबसे पहले मुझे आंसर करेगा, ठीक है। फर्स्ट जो सबसे पहले आंसर करेगा उसी का नाम करूंगा। आज तो मैंने काफी सारे स्टूडेंट के किए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सभी के नहीं करूंगा, कुछ ही स्टूडेंट के करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना। अब इसके बाद में बच्चों आगे हम देखते हैं, आगे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है कि हमारे के पास में, जैसे मैं लेता हूँ ये है हमारे पास में कुछ मैच स्टिक्स है, मैच स्टिक्स, ठीक है, दिख रही है आपको है ना। तो जो ये मैच स्टिक है, ये जो तिल्ली वगैरह अपन कहते हैं, जो तिल्ली वगैरह है, यहाँ पे मैच स्टिक है, क्या ये अगर मैं इसको रखूँ, क्या ये अपने आप बर्न हो जाएगी, क्या क्या अपने आप जल सकती है, क्या जल सकती है, नहीं जल पाएगी। या फिर अगर मैं बात करूँ, अगर अपन कोई पेपर लें, ठीक है, अगर अपन कोई पेपर लें, अच्छा कोई मैच स्टिक है, क्या वो अपने आप जल सकती है, जो अभी अभी मैंने आपको मैच स्टिक दिखाई ना, क्या वो ये कभी अपने आप जल सकती है, क्या जल पाएगी, क्या आंसर होगा आपका? आप नो सर, अपने आप नहीं जल सकती। या फिर अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि हम क्या करते हैं, कोई पेपर लेते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना, जैसे यही ले लो, ये वुड वगैरह, अगर आप इन वुड वगैरह को अगर आप जलाने की कोशिश करते हो, ये जो वुड है, अगर आप इनको जलाने की कोशिश करते हो, इनको फायर करने की कोशिश करते हो, और अगर आप क्या लेकर जाते हो, एक मैच स्टिक लेकर जाते हो, है ना, मैच स्टिक जानते हो, ऐसी मैच स्टिक होती है, आग लगाने वाली तिल्ली होती है ना, उसको बोलते हैं, जो जल रही है ना, तो इस मैच स्टिक को अगर आप इसके पास में लेकर जाओगे, तो क्या जल जाएंगे, क्या क्या लगता है आपको, जल जाएंगे क्या, ये नहीं जल पाएंगे आपके। इतना ही नहीं, अगर आपने कहीं पे भी अगर किसी वुड वगैरह को अगर आपने बर्न करने की कोशिश की हो, जलाने की कोशिश की हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कई सारे वुड के यहाँ पे ब्लॉक ले लेता हूँ,
ठीक है, लकड़ी ले ली यहाँ पे, वुड ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इन वुड को अगर बर्न करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वुड जल जाए, तो क्या करोगे आप लोग? क्या सीधा तीली लाकर यहाँ पे जो मैच स्टिक है वो लाकर यहाँ पे जलाने की कोशिश करोगे? क्या ये जल जाएगी? क्या जल जाएगी? क्या उससे नहीं जल पाएगी। तो फिर इसको जलाने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप क्या करोगे नीचे कि कुछ पेपर वगैरह लगाओगे, ठीक है, कुछ पेपर वगैरह रखोगे, ठीक है, पेपर, पहले पेपर को आप क्या करोगे, बर्न करोगे, उसके बाद में वुड वगैरह जलना स्टार्ट होगी। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो आप लोग, क्या करने की कोशिश करोगे, आप क्या करोगे इसके ऊपर कुछ केरोसिन वगैरह डालोगे, है ना, केरोसिन वगैरह इसके ऊपर डालोगे और फिर इसको जलाने की कोशिश करोगे, ऐसे कुछ करेंगे ना। और फिर जब आप ये कोशिश करोगे तो फिर ये आपकी इजीली बर्न हो जाएगा, इजीली जल जाएगा आपके। क्या बच्चों ये कभी आपने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है क्या? अगर आपने नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को या आपके अंकल वगैरह कोई भी गार्जियंस को करते हुए देखा होगा कि वो जब वुड को जला रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ पेपर नीचे यूज़ करते हैं या फिर ऊपर केरोसिन डालकर उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको मालूम है इसके पीछे रीजन क्या है? चलिए इसी को जानने की हम कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को जलाने की कोशिश करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब भी तभी बर्न हो पाएगी जब उसको एक फिक्स, उसको जलने के लिए एक टेम्परेचर मिले उसको। जैसे कि ये मैच स्टिक है, ये मैच स्टिक भी तभी जल पाएगी, तभी बर्न हो पाएगी जब भी फायर कैच कर पाएगी, जब यहाँ पे एक टेम्परेचर तक पहुँच जाएगी। टेम्परेचर जानते हो ना, कि हमको मालूम है कि हम क्या करते हैं कि अगर एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी वुड को, हाँ, कि किसी, एक तो वुड हो गई, एक हो गया कोई पेपर हो गया, और एक साइड हो गया हमारे पास में केरोसिन। क्या हो गया बच्चों? केरोसिन। तीन चीजें हैं ध्यान रखना, एक तो वुड है, एक पेपर है और एक केरोसिन है। अगर इन तीनों को अगर आप जलाने की कोशिश करोगे तो इसको जलने में थोड़ा टाइम लगेगा, पेपर को थोड़ा और कम टाइम लगेगा, केरोसिन को और भी कम टाइम लगेगा, लेकिन ये अपने आप भी नहीं जलेंगे। ऐसा नहीं कि केरोसिन अपने आप जल जाएगा, पेपर भी अपने आप जल जाएगा, वुड भी अपने आप जल जाएगा, नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, इनको जलाने के लिए इनको एक टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब इनको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो जो टेम्परेचर होता है केरोसिन के लिए वो टेम्परेचर कम होता है, पेपर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वुड के लिए भी और ज़्यादा होता है। तो जब पेपर को जलाएंगे, केरोसिन को जलाएंगे, तो केरोसिन का क्या होगा, इजीली उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, जल्दी टेम्परेचर इसके फायर जो जिस टेम्परेचर पर फायर होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, उस टेम्परेचर पर जल्दी जल्द पहुंच जाएगा। तो उस केस में ये जल्दी बर्न होने लग जाएगा, पेपर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये भी क्या हो जाएगा, जल्दी कैच कर लेगा फायर, और वुड भी क्या होगा, जल्दी से कैच कर, मतलब थोड़ा इसको टाइम लगेगा, है ना। तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा जलने में, वुड भी जल जाएगी लेकिन इसको उस टेम्परेचर तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, और पेपर को ये जल्दी पहुँच जाएगा, और केरोसिन तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर जिस पे हमारा कोई भी सब्सटेंस जलना या बर्न होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वापिस सुन लो, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, कौन सा मिनिमम टेम्परेचर ध्यान रखना, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे हमारा कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न होना स्टार्ट हो जाए तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है बच्चों इग्निशन टेम्परेचर। क्या कहा जाएगा? इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, समझ में आया आपको? तो अब आपको मालूम चला होगा कि भाई वुड क्यों नहीं जल पाती है जब आप उसको जलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाती है, पहुंच ही नहीं पाती है, इसलिए वो जल नहीं पाती है। तो इसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, वहां पे अपन पेपर लगाते हैं, पेपर लगा के फिर उसको बर्न करते हैं और उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाते हैं। जबकि हमारा जो पेपर होता है वो इजीली बर्न हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बच्चों वो क्या है, कम है, यानी कि ये कम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती है, फायर हो जाती है, आग पकड़ लेती है। और केरोसिन का तो और भी कम है इग्निशन टेम्परेचर, केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर वो तो और भी कम है, तो ये तो और भी क्या हो जाएगी, जल्दी से कि जो फायर होगी उसको कैच कर लेगी, ठीक है। तो इसलिए हमको कहा भी जाता है कि जो केरोसिन होता है इसको हम क्या करता है, इसको स्टोर करते समय हमको केयरफुली हमको ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुली इसको स्टोर करना जरूरी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है अगर इसको थोड़ी सी भी अगर इसको टेम्परेचर मिला तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो केरोसिन ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फायर जल्दी कैच कर लेगा क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, ठीक है।
तो यही रीजन होता है कि बच्चों कोई भी चीज क्यों नहीं जल पाते हैं। जैसे कि अब आपको समझ में आएगा, जैसे कि ये मैच स्टिक है, अगर आप किसी भी मैच स्टिक को अगर आप कहीं पर रख दो तो क्या, जैसे मैंने यहाँ पर रखी हुई, तो क्या अपने यहाँ पे जल जाएगी क्या? नहीं जल पाएगी। अगर इसका रूम टेम्परेचर पर हमने रखा हुआ है, हमने हमारे कमरे में के अंदर रखा हुआ है, तो हमारी रूम टेम्परेचर पर क्या ऑटोमेटिक खुद से बर्न हो जाएगी क्या? इसकी तरह नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर इतना नहीं होता है कि वो इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा बजाय कि रूम टेम्परेचर तक। ठीक है, तो इसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी सी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, इसको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब ये जो हमारी मैच स्टिक है, इसका टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा? तो इसका अलग अलग तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपने देखा होगा मैच बॉक्स होती है, इस पर हम क्या करते हैं, रब करते हैं। इस पर क्या करते हैं बच्चों, रब करते हैं। अब रब क्यों किया जाता है, जैसे ये ना मैच स्टिक, इस पर रब किया जाता है। रब करने के पीछे रीजन क्या है कि जैसे ही आप ये मैच स्टिक लोगे और इसको मैच बॉक्स पे यहाँ पर अगर आप इसको रब करोगे, तो रब करने से क्या होगा, इसका जो ये टेम्परेचर, आगे देखो यहाँ पर है ना, इसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा, और जैसे ही इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा, और ये क्या कर लेगा, आप कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, और फिर ये क्या हो जाएगी, हमारे बर्न हो जाएगी। इसकी तरह दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ पर जल रही है, ये कब जलती है, जब हमारे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाती है, और हमारा रूम का टेम्परेचर इतना नहीं होता है कि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, इसलिए रूम में रखी हुई तीली कभी बर्न नहीं होती है। यही नहीं, अगर बात की जाए केरोसिन की, बात की जाए, जैसे ये रहा केरोसिन, दिख रहा है आपको केरोसिन, ठीक है ये वाला, तो ये जो केरोसिन है ये भी क्या ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है क्या? ये भी ऑटोमेटिक नहीं पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उस समय इसका इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच रखा होता है वो, इसलिए वो आग नहीं पकड़ता है। लेकिन इसको भी अगर अपने थोड़ा सा भी अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया, थोड़ा सा इसको गर्म किया या फिर कैसे भी इसको आग दी और इसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया, तो ये क्या कर लेगा, फायर कैच कर लेगा और वहां पर आग लग जाएगी। ठीक है, वुड को भी बर्न करना आपको, तो आपको पहले इसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये बर्न हो पाएगी। तो बच्चों क्या अब आपको समझ में आया कि क्यों कोई चीज़ जल पाती है, क्यों कोई चीज़ नहीं जल पाती है? तो कोई भी थिंग हो बच्चों, कोई भी थिंग हो, कोई भी फ्यूल हो, वो तभी बर्न होगा, तभी वो फायर कैच करेगा, जब वो किस टेम्परेचर तक पहुंच जाए, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। ठीक है, यही इसका पीछे रीजन है। तो बच्चों इसी का सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है फॉरेस्ट फायर। क्या बच्चों आपने नाम सुना फॉरेस्ट फायर? सुना फॉरेस्ट फायर क्या होता है? देखो ये फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट मतलब जानते हो जंगल वगैरह, फायर मतलब आग। जब कभी भी फॉरेस्ट के अंदर अपने आप सेल्फ, जब अपने आप सेल्फ आग लग जाती है, वो फायर कैच कर लेता है, तो वो फॉरेस्ट फायर कहलाता है। अब फॉरेस्ट के अंदर भी अपने आप कैसे आग लग जाती है, ना तो अपन जाकर उसको जला रहे हैं, ना वहाँ पे कोई अपन उसको पेट उस पे पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं, या फिर ना कोई उसको मैच स्टिक से इसको बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अपने आप फायर कैच कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है ऐसा? तो बच्चों होता क्या है कि जब समर सीजन होता है, अब आपको मालूम है कि समर सीजन में बहुत ही गर्मी होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अगर वहाँ पर एक्सट्रीम हीट हो जाए, गर्मी भी अगर इतनी ज़्यादा वहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, इतना ज़्यादा वहाँ पे हीट इंक्रीज हो जाए, कि उस हीट की वजह से अभी वहाँ पे हीट इंक्रीज हो गई, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद में हमको मालूम है समर होगा, तो वहाँ पे क्या होंगे, नीचे क्या होगी, ग्रास वगैरह होगी, और ग्रास कैसी होगी, ड्राई होगी, ड्राई ग्रास होगी, और जब ड्राई ग्रास के अंदर वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे क्या चले, विंड चले, तेज विंड चले, या फिर कोई स्टोन वगैरह हो, स्टोन वगैरह की वजह से वहाँ पे क्या हो जाए, थोड़ा सा वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे फ्रैक्शन हो जाए। फ्रैक्शन जानते हो, चिंग मतलब कि वहाँ पे रगड़ लगे वहाँ पे इसके ग्रास के बीच में, तो ग्रास के बीच में वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अगर कहीं भी किसी स्टोन की वजह से, स्टोन के टकराने से, या फिर किस, अपन मालूम है ना कि जब भी हम क्या करते हैं, आपने भी देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब हम कोई भी टू स्टोन ले, जैसे एक स्टोन ये लिया, वन स्टोन ये लिया, और अगर इन टू स्टोन को अगर अपन क्या करें, एक दूसरे के ऊपर रब करें, तो यहाँ पे क्या करती है, चिंगारी निकलती है ना, चिंगारी निकलती है ना यहाँ पे। तो ऐसा कुछ हो, ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ हो, या फिर क्या हो कि जो ग्रास वगैरह हो, जो ग्रास वगैरह, ग्रास के बीच में भी क्या हो, जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव करे, तो
तो इसके बीच में भी क्या हो कि ऐसा वहाँ पे फ्रैक्शन लगे कि वहाँ पे ऐसी रगड़ लगेगी जिसकी वजह से क्या हो, वहाँ पे हल्की सी वहाँ पे क्या कर ले, फायर कैच कर ले, छोटी सी एक चिंगारी जुट बेस की चिंगारी चाहिए होती है अपन, बस हल्का सा अपन इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचाना जरूरी होता है। और जैसे ही वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर अगर वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया बच्चों, वो जो ग्रास अगर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया, तो ध्यान रख लेना फिर वो क्या कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, आग पकड़ लेगा। और जैसे आग पकड़ी फिर वो आग आपके पूरे फॉरेस्ट के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाएगी, और इतनी जल्दी फैलना स्टार्ट होगी क्योंकि फिर उसको रोक पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उसको स्टॉप करना पाना, उसको कंट्रोल करना पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यही रीज़न होता है बच्चों कि फॉरेस्ट के अंदर क्यों आग लग जाती है, समझ में आया? क्यों आग लगेगी? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा? जब समर सीजन होगा। समर सीजन जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो उसके ग्रास के बीच में, जो ड्राई ग्रास होगी उसके बीच में, वहाँ पे क्या होगी, हल्की सी वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचेगा और वहाँ पे उनके ग्रास के बीच में आग लगेगी, फायर होगी, और वो फिर फायर पूरे फैल जाएगी। तो यही रीज़न होता है बच्चों किसी भी फॉरेस्ट में आग लगने के पीछे। ठीक है, अब आपका हम बुक का देख लेते हैं कि बुक में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या समझा रखा है, और ये भी बता देता हूँ आपको नोट क्या क्या करना है, साथ में करते चलना आप लोग, कि सबसे पहले क्या है कि हाँ कि जो सन होता है, इन द सन, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सन के अंदर वो जो हीट और जो लाइट वो प्रोड्यूस करता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको पॉइंट बना के लिख लेना, स्टार बना के। ठीक है, इसके बाद में बच्चों आगे देखोगे आप लोग इसके अंदर, तो इसके अंदर एक्टिविटी दे रखा है। एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है कि जब भी कोई वुड वगैरह हो गया है ना, कोई बर्निंग वुड, कोई चारकोल वगैरह को जब अपन तवा वगैरह के अगर अपन प्लेट वगैरह के ऊपर रखते हैं और उसको फिर अपन कवर कर देते हैं, ठीक है, किसी प्लास्टिक जार से या टम्बलर से अगर उसको कवर करते हैं, तो क्या होगा, क्या वो स्टॉप, वो जो बर्निंग होना स्टॉप हो जाएगा? स्टॉप होगा तो क्यों होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप, तुम इसका सिर्फ आंसर सेंड कर देना, चाहो तो रफ में चाहे तो आप फेयर में। ठीक है, तो ये हो गया इसका, इसमें तो नोट करना कुछ है नहीं। हाँ ये कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है यहाँ से, कि व्हेन द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी फायर को उसको रोकने के लिए उसको कवर किया जाता है, तो कैन यू गेस वाई, आप बता सकते हो क्यों? ये क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन बना के लिख लेना और इसका आंसर क्या होगा आपको आंसर करना। ठीक है, क्या आंसर है आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखने की कोशिश करना इसका। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, और इसके बाद में ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं नोट करने लायक। आगे देखो, यस फॉरेस्ट फायर, इसमें नोट करना जरूरी है आपके लिए कि आपके पूछा आपसे पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट फायर क्यों होती है, तो यहीं से स्टार्ट करना, नोट करना, कि ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेस ड्राई ग्रास कैच फायर फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स ऑफ ट्रीज एंड वेरी सून एंड होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। बस यहीं तक कर लेना। ठीक है, हेडिंग डाल देना इसके अंदर, हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, फॉरेस्ट फायर लिख लेना, फॉरेस्ट फायर हेडिंग डाल देना, उसके बाद में ये जो मैंने आपको बताया ये नोट कर लेना। इसके बाद में आगे बच्चों, यस नेक्स्ट, कि यस हाँ यहाँ से स्टार्ट करना, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। बताया मैंने इग्निशन टेम्परेचर किसको कहते हैं, जो वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है या फिर जो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है उसी को अपन इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद में हाँ नेक्स्ट, इसमें क्या नोट करोगे आप लोग, इग्निशन फायरिंग पेन इसमें भी नहीं, चलो इसमें तो आप वैसे यहाँ से नोट कर लेना पॉइंट बना के अलग से, कि हाँ यहाँ से केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन दियर ऑन एट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर,
बट इफ केरोसिन इज केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर एंड तो इसके बाद में लिख लोगे द यहाँ से लिख लेना इट मीन्स दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड. सो इसके बाद में वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल. ठीक है, ये जो अंडरलाइन अंडरलाइन किया बस वही वही लिखना आपको. ठीक है, बस यही करना बच्चों और यही आपके लिए होमवर्क है. तो आज के लिए इतना ही करें. तो ठीक है बच्चों, अब आप अपना ध्यान रखिएगा. ओके, बाय एंड टेक केयर.